चंद्रपुर शहर की गंगूबाई उर्फ अम्मा जोरगेवार पिछले 50 वर्षों से चंद्रपुर में बांस की बनी टोकरियां बेच रही है। आपको हम बता दें कि उनका बेटा चंद्रपुर से विधायक है और ये 80 वर्षीय महिला चंद्रपुर की देवी महाकाली यात्रा के दौरान बांस से बनी टोकरियां और अन्य सामान बेचती है। ये एक आश्चर्य के रूप में बात हो सकती है, लेकिन 80 साल की उम्र में चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार की माँ मातोश्री गंगूबाई जोरगेवार अपने पेशे के लिए समर्पित है। बूढ़ी कारागिरी के साथ ही इन्हें सीधे संपर्क रखने वाली और नेता के साथ अपना कारोबार चलाने वाली गंगूबाई वृद्धावस्था के बावजूद इस साल भी देवी महाकाली यात्रा में बड़ी ही कुशलता से अपना कारोबार कर रही है। देखिए इस संघर्षरत माँ की कहानी। उनका बेटा चंद्रपुर से विधायक है और ये 80 वर्षीय महिला चंद्रपुर की देवी महाकाली यात्रा के दौरान बांस से बनी टोकरियां और अन्य सामान बेचती है। यह एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, लेकिन 80 साल की उम्र में चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार मातोश्री गंगूबाई जोरगेवार अपने पेशे के लिए समर्पित है। बूढ़ी माँ कारागिरों से सीधा संपर्क रखने वाली और नेता के साथ अपना कारोबार चलाने वाली गंगूबाई वृद्धावस्था के बावजूद इस साल भी देवी महाकाली यात्रा में कुशलता से अपना कारोबार कर रही है। देखिए इस संघर्षरत माँ की ये कहानी। गंगूबाई जोरगेवार उर्फ अम्मा पिछले 50 सालों से चंद्रपुर में बांस से बनी टाटवे टोकरी बेच रही है। अम्मा जोरगेवार चंद्रपुर से निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार की मां है। चंद्रपुर की घनी आबादी वाले इलाके में पिछले 50 सालों से यही कारोबार कर रही अम्मा जोरगेवार ने देवी महाकाली यात्रा के दौरान सीधे फुटपाथ पर अपना कारोबार खड़ा किया। वही घासा घीस, वही मूल भाव और फिर चंद्रपुर की बांस की टोकरियां भक्ति भाव से देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को चढ़ाने में आनंद मिल रहा है। यहाँ तक कि जब बुढ़ापा आ जाता है और बेटा जनप्रतिनिधि बन जाता है, तब भी अम्मा का पेशेवर संघर्ष जारी है। माझं 50 वर्षापासून मी बसून आहे, 50-60 वर्षापासून मला काही करायचं नाही, माझा धंदा आहे। मी रोजच्या किती टोपल्या विकतो? दोन तीन हजार विकतो। इसमें शर्म करने की क्या बात है, मेहनत से संतुष्टि मिली तो खुशी है। यह प्रतिक्रिया है चंद्रपुर के विधायक और गंगूबाई जोरगेवार के बेटे किशोर जोरगेवार की। पीढ़ियों से बांस की थालियों और टोकरियों का कारोबार करने वाला जोरगेवार परिवार आज भी अपने धंधे पर कायम है। वही श्रम, वही धंधा, वही कष्ट और वही सुख प्राप्त हो रहा है। अपनी माँ को एक दमदार कार से कारोबार की जगह छोड़ने वाले किशोर जोरगेवार को भी अपने श्रम पर बहुत गर्व है। टोपल्या विकणे हा आमचा परंपरागत व्यवसाय आहे। जसं शेतकऱ्याचा व्यवसाय असतो की शेती करणे, तसं हा बांबूपासून सुपटोपल्या बनवत फुटपाथवर गावोगावी जाऊन टोपल्या विकणे हा आमचा हा पिढीजात व्यवसाय आहे। आणि ह्या पिढीजात व्यवसाय आई ही करती आहे। आता लोकप्रतिनिधी झालं म्हणून काही बदलायचं नाही। एक तो जे शिकवण म्हटल्या जाते की गरिबी आली तर लाजू नको, श्रीमंती आली तर माजू नको, म्हणून आपला परंपरागत व्यवसाय करण्यात त्याच्यात काय आहे। आज जरी 80 वर्षाचं तिचं वय असलं, परंतु तिला जो टोपल्या विकल्याच्या नंतरचा संध्याकाळचा जो तिला ती आनंद मिळतो, एक काम केल्याचं कष्टाचं समाधान मिळते, मला असं वाटते की हे जगातल्या कोणत्याही इतर गोष्टीपेक्षा हे जास्त आनंद देणारं, सुख देणारं आहे। म्हणून आम्ही कधी तिला त्याच्या या आनंदापासून वंचित करत नाही। उलट अनेकदा मी स्वतः तिला गाडीमध्ये घेऊन, तिच्या टोपल्या घेऊन तिला सोडायला जातो, माझी मिसेस जाते, माझा मुलगा जातो। कारण की आमचा तो व्यवसाय, त्याच्यात आम्हाला काही केलाच पाहिजे, व्यवसाय कष्ट केले पाहिजे। इस मिट्टी के वरिष्ठ समाजसेवी बाबा आमटे ने श्रम ही श्रीराम हमारा का नारा दिया। इसी कहावत को लागू करने वाली गंगूबाई जोरगेवार के इस प्रयास को सलाम। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडे, स्पेशल रिपोर्ट।